Warm hello to all the learners of Mathematic Maths Adda. This is Vinay Pandey here again. Students, आज का जो वीडियो है वो बीटा एंड गामा फंक्शंस का सेकेंड वीडियो है. इसका जो पहला वीडियो था उस वीडियो में हमने बीटा फंक्शन के डेफिनेशन को पढ़ा था और हमने बीटा फंक्शन की दो प्रॉपर्टीज़ देखी थी और उनका प्रूफ भी देखा था कि बीटा फंक्शन इज़ अ सिमेट्रिक फंक्शन और बीटा फंक्शन का हमने फॉर्मूला प्रूफ किया था फैक्टोरियल टर्म्स में. तो बीटा फंक्शन की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी कि बीटा एम एन इज इक्वल टू क्या था, 0 to 1 एक्स की पावर एम माइनस वन, 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स, जहाँ पे एम और एन दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए. ये बीटा फंक्शन की डेफिनेशन हमने पहले वीडियो में देखी थी. और इसके अलावा हमने देखा था बीटा फंक्शन इज अ सिमेट्रिक फंक्शन, बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम प्रूफ किया था और बीटा एम एन का फॉर्मूला प्रूफ किया था, एम माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन एम प्लस एन माइनस वन फैक्टोरियल. तो ये हमने इसके पहले के वीडियो जो हमने बीटा फंक्शन का वीडियो किया था उस वीडियो में हमने क्वेश्चन को किया था, इन डेरिवेशन को किया था. तो जिसने भी ये डेरिवेशन नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं. क्योंकि बीटा फंक्शन जब तक आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आएगी, बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज समझ में नहीं आएंगे, तो आप न्यूमेरिकल्स उसके सॉल्व नहीं कर सकते हैं. पहला आज का जो न्यूमेरिकल है वो क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन टर्म्स ऑफ बीटा फंक्शंस. आपको क्या करना है, ये जो इंटीग्रेशन है इन इंटीग्रेशन को बीटा एम एन के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है. देखिए जो पहला न्यूमेरिकल है उस न्यूमेरिकल को ध्यान से देखिए आप, 0 to 1 एक्स की पावर एम, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर एन डी एक्स. यहाँ पर दोनों एम और एन क्या हैं, माइनस वन से बड़े हैं. बीटा फंक्शन जो हम इंटीग्रेशन में लिखते हैं इसमें सेकेंड टर्म जो यहाँ पर एक्स आ रहा है इसकी पावर कितनी है ब्रैकेट के अंदर 1, और यहाँ एक्स की पावर कितनी आ रही है 2. तो इस x की पावर 2 को 1 पावर में कन्वर्ट करना है. यहाँ पे अगर x के जगह पे y भी होगा तब भी उसको हम बीटा फंक्शन के फॉर्मूले में लिख सकते हैं. x, y, z वेरिएबल यहाँ पे कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, पुटिंग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई. तो x इक्वल टू कितना रख दिया हमने, y की पावर 1/2. इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2x dx इज इक्वल टू dy. तो डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, डी वाई अपॉन 2x, x के जगह पे कितना आ जाएगा, y की पावर 1/2. तो इंटीग्रेशन देखिए अब, x के लोअर लिमिट कितनी है, 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा. x के हाई लिमिट कितनी है, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1. x की पावर m, x की पावर m का मतलब y की पावर m by 2 हो जाएगा, क्योंकि x की जगह हम y की पावर 1/2 रखेंगे और उसकी होल पावर कितनी है, m. तो y की पावर m by 2. 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को हमने y माना हुआ है तो y की पावर n, और dx एक्स की जगह पे आ जाएगा dy वाई अपॉन 2y की पावर 1/2. 1/2 तो बाहर हो जाएगा, 0 to 1 y की पावर कितनी हो गई, m by 2, और ये पावर ऊपर जाकर के माइनस 1/2 हो जाएगी. 1 माइनस y की पावर n dy हो गया. आप यहाँ ध्यान से देखिए जो बीटा फंक्शन का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में x की पावर में भी एक माइनस वन वाला टर्म है और इस वाले पावर में भी माइनस वन वाला टर्म है. तो दोनों पावर में हम 1 ऐड कर देंगे और 1 माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 1/2, 0 to 1 y की पावर m by 2 माइनस 1/2. 1 ऐड कर दिया हमने और बैलेंस करने के लिए माइनस 1 भी करना पड़ेगा ताकि ये माइनस 1 वाला टर्म इसमें आ जाए. दूसरा 1 माइनस y की पावर n में 1 ऐड कर लेते हैं और 1 माइनस कर लेते हैं. 1/2, 0 to 1 y की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस 1/2 हो जाएगा m प्लस 1/2 माइनस 1, और 1 माइनस y की पावर n प्लस 1 माइनस 1 dy. अब इस इंटीग्रेशन को इस फॉर्मूले से कंपेयर करिए आप, माइनस 1 वाला टर्म दोनों में आ रहा है, यहाँ y की पावर 1 है. जो हमको रिक्वायरमेंट यही थी कि अंदर ब्रैकेट के अंदर y की पावर 1 बनानी है आपको, वेरिएबल कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिमिट 0 से 1 होनी चाहिए, लिमिट भी 0 से 1 आ रही है. तो ये बीटा फंक्शन की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है. और इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखिए आप, m किस से बड़ा था, माइनस 1 से. तो यहाँ पर m की जगह पर कितना आ रहा है, m प्लस 1/2. तो m ये माइनस 1 इधर लेके आएंगे तो m प्लस 1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0. तो m प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा. तो बीटा फंक्शन में ये जो m वाला टर्म होना चाहिए, m वाला टर्म पॉजिटिव होना चाहिए. तो ये जो पावर वाला टर्म, ये वाला टर्म आ रहा है, ये 0 से बड़ा भी यहाँ पे आ रहा है. तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. तो बीटा m की जगह पे क्या आ जाएगा, m प्लस 1/2. ऐसे ही सेकंड टर्म कितना आ जाएगा, n प्लस 1. तो इस इंटीग्रेशन को, जो पहला इंटीग्रेशन था, उस इंटीग्रेशन को हमने बीटा फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया.
ऐसे ही सेकंड न्यूमेरिकल देखिए आप, सेकंड न्यूमेरिकल में 0 से 1 एक्स स्क्वायर और ये है 1 माइनस x की पावर 5 की पावर -1/2 dx। पहले न्यूमेरिकल की हेल्प से आपको ये थोड़ा इसका सॉल्यूशन क्लियर हो रहा होगा कि हमको x की पावर 5 को क्या बनाना है, 1 पावर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला स्टेप आप हमारे ये रहेगा कि x की पावर 5 को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो x कितना आ जाएगा, y की पावर 1/5। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 5x की पावर 4 dx इज इक्वल टू dy। तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dy अपॉन 5 x की पावर 4। x की जगह पे कितना आ जाएगा, y की पावर 1/5 और उसकी होल पावर 4 है, तो y की पावर 4 अपॉन 5 आ जाएगा। ये लिमिट में, लोअर लिमिट में 0 रखेंगे 0 ही आएगा, 1 की पावर 5 करेंगे 1 आएगा, तो लिमिट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। x स्क्वायर की जगह का मतलब क्या हो जाएगा, y की पावर 1/5 का स्क्वायर, तो y की पावर 2 अपॉन 5। 1 माइनस x की पावर 5 की जगह पर y आ जाएगा -1/2 और dx की जगह पर आ जाएगा dy अपॉन 5 y की पावर 4 अपॉन 5। तो 1/5 0 to 1 y की पावर 2 अपॉन 5 -4 अपॉन 5, ये जो माइनस में चला जाएगा, और 1 माइनस y की पावर -1/2 dy। तो जैसे मैंने आपको पहले न्यूमेरिकल में बताया कि हमको 1 ऐड करना है 1 माइनस करना है, तो 1 अपॉन 5 0 to 1 y की पावर ये कितना हो जाएगा, -2 अपॉन 5। 1 ऐड कर लेते हैं, 1 माइनस कर लेते हैं ताकि माइनस वन वाला टर्म आ जाए, और ऐसे ही 1 माइनस y 1 ऐड कर लेते हैं, 1 माइनस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 5 0 to 1 y की पावर कितनी हो जाएगी, ये 3 अपॉन 5 -1 और 1 माइनस y की पावर 1/2 -1 dy। आप देखिए बीटा फंक्शन की फिर से कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये दोनों टर्म क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, तो ये हो गया 1 अपॉन 5 बीटा 3 अपॉन 5 और 1/2। तो इस इंटीग्रेशन को भी हमने बीटा फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया। तो आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें जो ब्रैकेट के अंदर ये टर्म दिख रहा है इसको हमको 1 पावर में कन्वर्ट करना है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है कि उसको हम वाई माने और उसका सॉल्यूशन निकाल लें। देखिए जो अगला न्यूमेरिकल है उसमें आपको ये कंडीशन प्रूव करनी है बीटा फंक्शन की, तो सॉल्यूशन उसी तरीके से रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, x की पावर n को हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, y की पावर 1 अपॉन n। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, n x की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, dy। तो dx इक्वल टू कितना आ गया, dy अपॉन n x की पावर कितनी है, x की वैल्यू कितनी है y, तो ये हो जाएगा y की पावर n माइनस वन अपॉन n। ये दोनों वैल्यूज यहाँ रखेंगे, लिमिट में फिर से कोई चेंज नहीं आएगा, 0 से 1 x की जगह पे क्या आ जाएगा, y की पावर 1 अपॉन n, तो यहाँ पे m भी है, m अपॉन n आ जाएगा। 1 माइनस x की पावर n को हमने y माना हुआ है, और p ऐसे ही रहेगा, और dx की जगह पे क्या आ जाएगा, dy अपॉन n y की पावर n माइनस 1 अपॉन n। 1 अपॉन n बाहर कर लेते हैं इसमें, 0 से 1 देखिए y की पावर m अपॉन n माइनस n माइनस 1 अपॉन n, और 1 माइनस y की पावर p dy 1 अपॉन n 0 to 1 y की पावर कितनी हो जाएगी, m माइनस n प्लस 1, क्योंकि माइनस में साइन चेंज हो जाएगा, अपॉन n। वो फॉर्मूला बनाने के लिए फिर से हमको 1 ऐड करना पड़ेगा, 1 माइनस करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और दूसरा टर्म 1 माइनस y की पावर p प्लस 1 माइनस 1 dy। तो इसका एलसीएम हम ले लेते हैं यहाँ पे, 1 अपॉन n 0 to 1 y की पावर में ब्रैकेट वाले टर्म्स को सॉल्व करते हैं, m माइनस n प्लस 1 और ये क्या बन जाएगा, प्लस n अपॉन n माइनस 1 और 1 माइनस y की पावर कितनी होगी, p प्लस 1 माइनस 1 dy 1 अपॉन n 0 to 1 y की पावर कितनी होगी, n से n कैंसिल हो जाएगा, m प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 और 1 माइनस y की पावर p प्लस 1 माइनस 1
तो आप देखिए बीटा फंक्शन का फिर से फॉर्मूला हमने कन्वर्ट कर दिया, वन अपॉन एन बीटा, एम की जगह पे क्या आ रहा है यहाँ पे, एम प्लस वन अपॉन एन, और एन की जगह पे क्या आ रहा है, पी प्लस वन। और यही हमको यहाँ पे इस क्वेश्चन में प्रूफ भी करना था। तो आज के जो क्वेश्चंस थे, इन क्वेश्चंस में मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी इंटीग्रेशन को, अगर वो इंटीग्रेशन 0 से 1 के लिमिट में है, तो उस इंटीग्रेशन को बीटा फंक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अभी हमने सिर्फ बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज़, डेफिनेशन और बीटा फंक्शन में कन्वर्जन के न्यूमेरिकल किए हैं। अभी हम आगे जो न्यूमेरिकल्स आगे करेंगे, उसमें हम इस टाइप के क्वेश्चंस का फिर आगे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन भी निकालेंगे कि अगर कोई इंटीग्रेशन बीटा फंक्शन में कन्वर्ट हो जा रहा है तो उसका न्यूमेरिकल आंसर क्या होगा बिना इंटीग्रेशन का यूज़ किए हुए। तो बाकी जो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, वो आगे हम आगे के वीडियोज़ में देखेंगे।